बंगाल में ममता बनर्जी ने मार मार के मुंह लाल कर दिया और पूरी केंद्र सरकार को बेआबरू करके भगा दिया। डीजल पेट्रोल की कीमतों में आग लगी है। पिछली सरकारों में तेल की कीमत नीचे होती थी, जीडीपी ऊपर होती थी। इन बेदिमाग लोगों के राज में तेल की कीमत ऊपर है और जीडीपी जमीन में चली गई। मध्य प्रदेश में एक उपचुनाव में महिलाओं ने सीधे मोदी को चप्पल मारने की बात कह डाली और कहा वो बस मिल जाए उसकी अकल ठिकान लगा देंगे। राम मंदिर का जो तूफान खड़ा किया था वो आम आदमी की बुरी हालत के सामने धराशायी हो गए। चीन इनके मुंह पर थूक कर चला जाता है और ये उस थूक को साफ भी नहीं कर पाते। अपने ही देश में पनपी मोदी नाम की बीमारी से लड़ पाएंगे? क्या हम अपने देश को बचा पाएंगे? अगर हम देश को मिटते हुए देखकर भी विरोध नहीं कर पाए तो हम भारत माता को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। मोदी जी अब खत्म हो चुके हैं, अब बारी जनता की है। भाइयों, हमारी जिंदगी घड़ी साबुन से ज़्यादा कीमती है, इसलिए हर खबर की पहले तफ्तीश करें फिर विश्वास करें। जानकारी लेने की आदत डालिए। मेरी नहीं किसी की भी बात का तब तक यकीन मत कीजिए जब तक आप खुद उसकी तफ्तीश ना कर लें। इसलिए नारा जीवन के साथ जोड़ लीजिए कि पहले तफ्तीश करें फिर विश्वास करें। अब बात करते हैं कि अब भाजपा का अगला दाव क्या हो सकता है। मेरा मानना है कि भाजपा की नीतियां जिस तरह फेल हुई, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, बैंक घोटाले का पैसा माफ करना हो, देश के अर्थशास्त्रियों ने मोदी जी को खुले मंच से खूब लताड़ा है, मोदी की खूब आलोचना की है। आरबीआई के दो दो गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा। राफेल की दुगनी कीमत पर खरीदी और उससे अरबों रुपए की दलाली पर पूरी दुनिया में थू-थू हो गई। जेएनयू में बच्चों पर लाठियां चलाई तो देश भर में छात्रों ने मोदी जी की किरकिरी कर डाली। गोदी मीडिया का बहिष्कार किया, पत्रकारों को गेट से भगा दिया। फिर हुआ शाहीन बाग, जिसे कोरोना के कारण रोकना पड़ा, नहीं तो उसे भी मोदी जी छू नहीं पाए और इनके हलक में सांसें अटक गई थी। सामने खड़ा है किसान आंदोलन, जिसे कुचलने के लिए रास्ते में कीले ठोकी, अपना ही आदमी किसान बनाकर हिंसा करवाई, लाल किले पर झंडे लगवाए और किसानों को पीटने और बदनाम करने का कारना काम किया मोदी जी ने। अब किसानों को देखो, वो लठ लिए खड़े हैं, इनके आगे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी। हाथरस में महापाप से पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई। इस मुद्दे पर भारत में ह्यूमन राइट्स पर भी उंगली उठाई गई। साउथ इंडिया में अपनी ही विरोधी पार्टी से झक मारकर गठबंधन करना पड़ा, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी ने मार मार के मुंह लाल कर दिया और पूरी केंद्र सरकार को बेआबरू करके भगा दिया। विदेश नीति पर देखें तो हमारा ऐतिहासिक मित्र रूस पाकिस्तान के साथ चाय पर चर्चा कर रहा है। ईरान का बंदरगाह हमारे हाथ से निकल गया। अफगानिस्तान, जानते हो अफगानिस्तान, शांति समूह में हाथ पैर जोड़ने पड़े तब जाकर हमें एंट्री मिली। हमारे हालात बांग्लादेश और पाकिस्तान के बराबर हो गई है। इससे बुरा समय कभी देश ने नहीं देखा, जो किया सब फेल हो गया। फिर देखो तो किसान और आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत, डीजल पेट्रोल की कीमतों में आग लगी है। पिछली सरकारों में तेल की कीमत नीचे होती थी, जीडीपी ऊपर होती थी। इन बेदिमाग लोगों के राज में तेल की कीमत ऊपर है और जीडीपी जमीन में चली गई। आर्थिक नीतियां पूरी तरह फेल हो गई। खाने का तेल 200 रुपए किलो में बिक रहा है। हर तरफ से लोग खुली गालियां दे रहे हैं मोदी जी को। मध्य प्रदेश में एक उपचुनाव में महिलाओं ने सीधे मोदी को चप्पल मारने की बात कह डाली और कहा वो बस मिल जाए उसकी अकल ठिकान लगा देंगे, जीवन में कभी भाजपा को वोट नहीं देंगे। इस तरह हर स्तर पर नाकामी के बाद मोदी जी के पास बचा क्या? राम मंदिर मुद्दा खत्म। आरएसएस के लोग खुले मन से खुद बोल रहे हैं
कि राम मंदिर से देश को कुछ नहीं मिला, हम अभी भी वहीं हैं। सो राम मंदिर का जो तूफान खड़ा किया था वो आम आदमी की बुरी हालत के सामने धराशायी हो गया। चीन इनके मुंह पर थूक कर चला जाता है और ये उस थूक को साफ भी नहीं कर पाते और बेशर्मी से हंसते रहते हैं। फिर बचा पाकिस्तान, तो कोरोना टाइम में वो भी कोई मुद्दा नहीं दे रहा है इन्हें। अब आखिर में बचता है कश्मीर। इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर विवाद, इनसे ना उत्तर प्रदेश के ना ही बाकी देश के लोगों को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब लोगों को असलियत दिखने लगी है कि इन मुद्दों से देश का भला नहीं होगा, आम आदमी का इनसे कोई राहत नहीं मिलने वाली। तो अब ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे खत्म हो गए समझो। अब सिर्फ एक मुद्दा है, कश्मीर या फिर कोई सेना से जुड़ा आक्रोश पैदा करना जो भारतीय मानसिक गुलामों को बहलाने का, उन्हें फिर गाली गलौज करने का मौका देने का आखिरी मुद्दा है। जो भक्त जाति के लोग हैं उन्हें झुंझुना देने का एक ही काम बाकी है, वो है कश्मीर की भावना को भड़काना। जो वो घूम फिर कर वही हिंदू मुस्लिम कार्ड का हिस्सा है, अब फिर कोई मुद्दा बनाया जाएगा जिसे हवा दी जाएगी और जैसे गंगा में बहती लाशों का और गंगा किनारे दफन शवों के ऊपर से केसरिया वस्त्र निकालने के मुद्दे को बाबा रामदेव की आयुर्वेद और एलोपैथी वाले बयान से डाइवर्ट कर दिया गया, वैसे ही अब फिर कश्मीर का मुद्दा उठने वाला है। अब इनके पास कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है। इस महामारी में दंगे हो नहीं सकते, सब दुखी हैं, लोग घरों में कैद हैं, तो बचा केवल और केवल कश्मीर। अब देखना यह है कि भारत की वो जनता जिसने लाखों अपने खोए, अस्पताल में पलंग मांगे नहीं मिले, ऑक्सीजन मांगी नहीं मिली, 2000 का इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए में खरीदना पड़ा, मरते मरते अपने परिजनों का अंतिम दर्शन नहीं कर पाए और प्लास्टिक बैग में बंधी लाश के लिए शमशान में लाइन लगानी पड़ी। उस महादुख को झेलने वाली देश की जनता अब इनके बहकावे का क्या जवाब देती है, हम सबको बस वही देखना है। क्या हम एक देश की तरह अपने ही देश में पनपी मोदी नाम की बीमारी से लड़ पाएंगे? क्या हम अपने देश को बचा पाएंगे? अगर नहीं तो फिर हमें भारत देश के नागरिक कहलाने का हक भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आज़ाद और भगत सिंह जैसे पूर्वजों के देश में जन्मे हैं। यदि हम अत्याचार और अन्याय को सहते रहे तो हम भारत के नागरिक नहीं कहे जाएंगे। अगर हम देश को मिटते हुए देखकर भी विरोध नहीं कर पाए तो हम भारत माता को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। मोदी जी अब ख़त्म हो चुके हैं, अब बारी जनता की है। जय हिंद दोस्तों।